हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश में आगरा जनपद के प्राचीन स्थान बटेश्वर के मूल निवासी पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वहीं सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1924 को ब्रह्म मुहूर्त में उनकी सहधर्मिणी कृष्णा वाजपेयी से अटल जी का जन्म हुआ था। अटल जी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज वर्तमान में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई। छात्र जीवन में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। कानपुर के डीएवी कॉलेज से राजनीति शास्त्र में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का पाठ तो पढ़ा ही, साथ साथ पंजन, राष्ट्रधर्म, दैनिक स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य भी कुशलतापूर्वक करते रहे। वह भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे और सन 1968 से 1973 तक वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। सन 1952 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सन 1957 में बलरामपुर जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचे। सन 1957 से 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना तक वे 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सन 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर उन्होंने जनता पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी वाजपेयी को सौंपा गया। 2 बार राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुए। लोकसभा के सजग प्रहरी अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभाली। 19 अप्रैल 1998 को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उनके नेतृत्व में 13 दलों की गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों में देश के अंदर प्रगति के अनेक आयाम छुए। अटल सरकार ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया। 19 फरवरी 1999 को सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा शुरू की गई। इस सेवा का उद्घाटन करते हुए प्रथम यात्री के रूप में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान की यात्रा करके नवाज शरीफ से मुलाकात की और आपसी संबंधों में एक नई शुरुआत की। कुछ ही समय पश्चात पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना व उग्रवादियों ने कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ करके कई पहाड़ी चोटियों पर कब्जा कर लिया। परमाणु शक्ति संपन्न देशों की संभावित नाराजगी से विचलित हुए बिना उन्होंने अग्नि 2 और परमाणु परीक्षण का देश की सुरक्षा के लिए साहसिक कदम भी उठाए। सन 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण किया, जिसे अमेरिका की CIA को भनक तक नहीं लगने दी। अटल जी ही पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। उन्हें 11 जून 2018 में किडनी में संक्रमण और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां 16 अगस्त 2018 को शाम 5:05 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की और सारी वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।